Please subscribe TC Classes, Dubey Chandan Classes and don't forget to press bell icon. Thank you. Hi guys, आप सभी का मेरे क्लास DC Classes, Dubey Chandan Classes में स्वागत है. मैं आपका CP दुबे सर. आज मैं आपके सामने क्लास 11th के टॉपिक नोट मेकिंग के बारे में जो है बात करूँगा. और ये टॉपिक क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों क्लास के लिए कॉमन है. तो नोट मेकिंग की अगर हम लोग बात करें तो नोट मेकिंग क्लास 11th में 5 मार्क्स के एंड क्लास 12th में ये 4 मार्क्स के आएंगे. नोट्स मेकिंग, पहला क्वेश्चन उठता है कि नोट्स मेकिंग व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग. तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि नोट मेकिंग की आवश्यकता क्यों है. तो नोट मेकिंग की आवश्यकता इसलिए है कि आप जानते हो कि हम लोग जो है इस कॉम्पिटिटिव एरा में जी रहे हैं. इस कॉम्पिटिटिव एरा में एक साथ जो है सारी बुक्स को लर्न बाई हार्ट करना या स्क्रैम करना संभव नहीं है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नोट्स मेकिंग जो है अपने आवश्यकता अनुसार हम अपना नोट प्रिपेयर करते हैं जिससे हम सारे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड कर सकें. ये नोट मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा इसलिए हेल्पफुल होता है. और नोट मेकिंग के लिए व्हाट इज़ द पेक्युलियरिटी ऑफ नोट मेकिंग. पॉइंट्स ऑफ नोट मेकिंग, अगर हम नोट मेकिंग के जो है स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें, क्या क्या चीज़ जो है नोट मेकिंग्स में होने चाहिए. तो नोट मेकिंग में सबसे पहले हम लोगों का SIPC. S का मतलब होता है सॉर्ट. नोट मेकिंग हम लोगों को क्या होना चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए. I, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए. उसके बाद जो है अगर हम P की बात करें तो P में आपका प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए. और सी मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए. ये तो हम लोग का ऐसा नोट मेकिंग होना चाहिए, नोट मेकिंग इस तरह से होने चाहिए जिसमें जो है नोट मेकिंग हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए. उसके साथ साथ उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए. उसके बाद जो है प्रॉपरली लॉजिकल वे से अरेंज होने चाहिए. और नोट्स मेकिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए. ये सारे पॉइंट्स आपके नोट मेकिंग में होने चाहिए. अब नोट मेकिंग करें कैसे, हाउ टू प्रिपेयर नोट, नोट मेकिंग तैयार कैसे करें. तो नोट मेकिंग तैयार करने के लिए पहले हम लोग क्या करें, रीड द पैसेज थॉरोली. हम लोग क्या करेंगे, पूरे पैसेज को थॉरोली रीड करेंगे. उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, उसमें सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस को हम लोग क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे. अब ये हम ध्यान देंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम अंडरलाइन कर लेंगे. नोट्स मेकिंग बनाते से हम कोशिश करेंगे पूरे सेंटेंस का यूज ना करें, शॉर्ट फॉर्म में क्लॉज के फॉर्म में हम नोट्स को इंक्लूड करते चलें. ये हमारा नोट्स मेकिंग के लिए कैसा नोट्स मेकिंग होना चाहिए, नोट्स मेकिंग में हम करेंगे क्या. सबसे पहले पूरे ये 3 पॉइंट्स मैंने बताया, उसके हिसाब से आप जो है पूरे पैसेज को रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा और सेंटेंसेस क्लॉज को अंडरलाइन कर लेंगे. अब नोट मेकिंग करें कैसे, तो नोट मेकिंग करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अगर हम 12th की बात करते हैं तो नोट मेकिंग 4 मार्क्स के आएंगे. जब 4 मार्क्स के आएंगे तो इसको लिखते समय हम लोग नोट मेकिंग का एक पैटर्न होता है, इसमें हम एक खासियत बनाते हैं. बेसिकली वी ड्रा प्रॉपर ऑर्डर नोट मेकिंग के लिए, हम एक तरह से जो इसको मार्जिन ले लेते हैं. मार्जिन लेने के बाद सबसे पहले बात, ये 4 मार्क्स कैसे डिवाइड होता है. 4 मार्क्स, एक आपका होता है हेडिंग. हेडिंग की बात करें तो हेडिंग पे 1 मार्क मिलते हैं आपको. कंटेंट पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. एब्रिविएशन की बात करें तो 1 मार्क मिलेंगे आपको. ये आपका डिवीज़न ऑफ मार्क हो गया कि कैसे कैसे आपका जो है ये मार्क्स आपका डिवीज़न होगा. मोर नोट मेकिंग 4 मार्क्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पूरे पैसेज को थॉरोली रीड करने के बाद हम उसमें एक हेडिंग हम लोग लेंगे, हेडिंग लिखेंगे. हेडिंग में आपका सबसे पहले कैप्शन हो जाएगा, कैप्शन और हेडिंग. ये आपकी मेन हेडिंग होगी जो कि आपको एक नंबर देगी रिगार्डिंग पैसेज आपको शुरू करना है. अब उस हेडिंग के बाद हम लोग बात करेंगे, हेडिंग हो जाने के बाद हम लोग पूरे
टॉपिक को, जैसे मान लीजिए हम लोगों का टॉपिक है बीपी, ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर हमारा मेन जो है कैप्शन या मेन हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद ब्लड प्रेशर के अंदर हम हेडिंग बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर के जो है सिम्टम्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ये हमारे जो है ये मेन हेडिंग हो गया, ये हेडिंग हो गया। फिर उसके बाद जो है सब हेडिंग, सब हेडिंग में ए बी ए बी ए बी, इस तरह से आप सो ऑन, आप कुछ भी कर सकते हैं। ए बी की जगह वन वन पॉइंट ए ए टू थ्री, इस तरह से करके भी आप यू कैन डू इट। तो सबसे हम लोगों का एक नंबर कैप्शन में हो गया, हेडिंग भी हम लोग सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, और उसके साथ साथ हेडिंग, ये मेन हेडिंग, कैप्शन, हेडिंग, फिर सब हेडिंग में हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमें एक नंबर इस पर मिलेगा। ये पूरा कंटेंट होगा, इस कंटेंट के ये जो आपका थ्री टू मार्क्स कंटेंट में रहेगा, इस टू मार्क्स में आपका एक मार्क्स कंटेंट पे मान लीजिए, और एक मार्क्स जो है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में फ्लुएंसी भी आ जाएगा, एक्यूरेसी भी आ जाएगा, ये सारे सब जो है, और रेलिवेंसी भी आ जाएगी, ये सब मिला के आपके टू मार्क्स के रहेंगे। और एक मार्क्स जो आपका लास्ट में बचेगा, जिसको हम लोग कहेंगे अब्रीविएशन। अब अब्रीविएशन की अगर हम लोग बात कर लें, तो अब्रीविएशन पे अगर हम लोग जाते हैं, तो आप जब नोट मेकिंग हम लोग फ्रेम करते हैं, तो नोट मेकिंग करते समय मिनिमम, वो रूल है, देयर इज़ अ रूल, आपको मिनिमम फोर एब्रीविएशन आपको यूज करना है। जैसे ये फोर एब्रीविएशन कैसे होगा, एब्रीविएशन को अगर हम डिवाइड कर लें, दो तरह का होता है, एक आता है ट्रेडिशनल होता है, दूसरा हो जाता है फॉर्म्ड। जो आपका ट्रेडिशनल होता है नोट मेकिंग एब्रीविएशन, आपका जो ट्रेडिशनल होता है, इसमें आमतौर पर जो पहले के यूज हैं, जैसे परसेंटेज के लिए परसेंटेज हो गया, एट द रेट के लिए, ये सब ट्रेडिशनल है, डॉक्टर के लिए ट्रेडिशनल है, कॉर्नल के लिए सी ओ एल ट्रेडिशनल। लेकिन अगर हम कुछ नोट्स मेकिंग में अगर अपना अलग से, क्योंकि ट्रेडिशनल थोड़ा बहुत हम यूज कर सकते हैं, बेसिकली उसमें जो पॉइंट्स दिए जाएंगे उसमें ये रहेगा कि आपका कम से कम ट्रेडिशनल यूज रहेगा, बेसिकली आपको फोर फॉर्म्ड करने हैं, मिनिमम फोर फॉर्म्ड करने हैं। उस फॉर्म में जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कैप्टन, तो आप कैप्टन आ गए, तो इसके लिए आपने मान लीजिए सी ए पी कर लिया, ये भी ट्रेडिशनली है। जैसे मान लीजिए आ गया बिटवीन, तो बी डब्ल्यू आई आपने ये जो यूज किया है, ये आपका किसके लिए, बिटवीन के लिए है। जैसे मान लीजिए आपने जो है कैंसर के लिए यूज किया, तो सी ए एन, सी के बाद ऐसे करके कैंसर आपने लिख दिया। तो इस तरह से आपको फोर, और जब आप नोट मेकिंग बनाएंगे, तो नोट मेकिंग बनाते समय इसका ये जो आप फोर यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में ये चारों पॉइंट्स आप जो है ऐड कर देंगे, और यू हैव टू रिमेंबर कि आप ये जो चारों पॉइंट्स ऐड करेंगे, वो चारों पॉइंट्स आपके नोट मेकिंग में इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल को तो छोड़िए, ट्रेडिशनल तो, लेकिन आपके सामने जो पैराग्राफ दिया, सॉरी जो आपका एक पैसेज दिया, उस पैसेज में आपके कई पैराग्राफ में बेसिकली चार या पांच पैराग्राफ पैराग्राफ दिए रहते हैं, उस पैराग्राफ में आपको बहुत से बड़े बड़े वर्ड्स दिए जाते हैं। अगर आप बड़े बड़े वर्ड्स लिखेंगे तो वो थोड़ा ऑड लगेगा, इसलिए आप उसके लिए बड़े बड़े वर्ड्स को जो है छोटा अब्रीविएट करके बना के आप उसको यूज करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये मेरा क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए, और चाहते कि मैं सारे राइटिंग सेक्शन की वीडियो इसी तरह से अपलोड कर दूं, और जो कि आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, और वो भी क्लास ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ये नोट मेकिंग आपको एनी हाउ किसी भी कीमत पे, जो भी क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनको फोर मार्क्स सेशन 2019-20 में, और क्लास इलेवेंथ के बच्चों जो कि क्लास इलेवेंथ में इस साल हैं सेशन 19-20 के हैं, उनको फाइव मार्क्स देगा ही देगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टीसी क्लासेस, दुबे चंदन क्लासेस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।